दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मैडम की है जो कि अपने स्टूडेंट से संबंध बनाती है, यहाँ तक कि वो उसके बाप को भी नहीं छोड़ती, उससे भी संबंध बना लेती है। और अक्सर ये टीचर इन दोनों से संबंध बनाती थी। और ये ऐसा क्यों कर रही है आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम पैट्रिका को देखते हैं जो अपने हाथ में गन लिए अपने हस्बैंड ट्रूमैन को जगाती है और उससे कहती है कि शायद से हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। फिर ट्रूमैन नीचे जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर एक लड़की सोई हुई मिलती है जो कि पिछली रात पार्टी में नशे की वजह से यहीं पर सो गई थी। दरअसल ट्रूमैन अक्सर अपने घर में बिजनेस पार्टी रखता था और ये लड़की उसी पार्टी में आई थी। इसके बाद हमें एक दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ मरीना, बेटा रॉबी और मेड बैली के साथ इसी घर में रहता है। आज एलेक्स के बेटे रॉबी का बर्थडे होता है लेकिन एलेक्स और मरीना ये बात भूल गए थे, इसीलिए उनकी मेड बैली उन्हें याद दिलाती है कि आज रॉबी का बर्थडे है। पर एलेक्स और मरीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो काम के लिए लेट हो रहे थे। वो बैली से कहते हैं कि आज तुम रॉबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना और ये कहकर वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। तभी हम फिर से ट्रूमैन को देखते हैं जो कि पैट्रिका से कहता है कि आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डील करने जा रहा हूँ, अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, इसके बाद हम दोनों काफी अमीर हो जाएंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। आगे वो पैट्रिका को सरप्राइज देता है कि उसने एक काफी लग्जरी कार खरीदी है। ये देखकर पैट्रिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रूमैन ने इस कार को बैंक से लोन लेके खरीदी थी। इस बात पर ट्रूमैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस डील के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अगले सीन में हम रॉबी को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी क्रश चेरी से मिलता है और उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी। पर इस बात पर चेरी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी और को डेट कर रही हूँ। इस बात से रॉबी काफी नाराज हो जाता है और वो स्कूल से कहीं चला जाता है। ये बात जब एलेक्स को पता चलती है तो वो रॉबी को बहुत डांटता है और उससे कार की चाबी भी ले लेता है। इधर हम ट्रूमैन की सेक्रेटरी को देखते हैं जो उसे एलेक्स के बारे में बताती है कि अगर आज ये डील तुम नहीं कर पाए तो ये डील एलेक्स को मिल जाएगी। दरअसल जिस डील को ट्रूमैन लेना चाहता था उसे एलेक्स भी लेने का ट्राई कर रहा था। उसी रात ट्रूमैन अपने क्लाइंट मैसन को अपने घर पर लेके आता है जहाँ पर पैट्रिका उसे ड्रिंक ऑफर करती है। मैसन पैट्रिका की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है और वो उसे छूने की कोशिश करता है। ये बात पैट्रिका को अच्छी नहीं लगती इसीलिए वो इसके बारे में ट्रूमैन को बताती है। पर ट्रूमैन उससे कहता है कि ये डील हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है इसीलिए तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी पैट्रिका को मैसन के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं ताकि उसके पति को ये डील मिल जाए। ट्रूमैन भी ये सब देख रहा था लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। अगली सुबह ट्रूमैन इस उम्मीद से ऑफिस जाता है कि आज उसे प्रमोशन मिलेगा लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि ये डील एलेक्स को मिल गई है। ये बात जानकर ट्रूमैन को काफी बड़ा झटका लगता है इसलिए वो वापस घर पर आ जाता है। घर पर वो इसके बारे में पैट्रिका को बताता है तो उसे भी ये बात काफी बुरी लगती है। इन सबसे ट्रूमैन डिप्रेशन में चला जाता है इसीलिए वो अपनी जान दे देता है। अपने पति की मौत से पैट्रिका पूरी तरह से टूट जाती है और वो काफी ज्यादा रोती है। कुछ दिनों के बाद पैट्रिका ट्रूमैन के ऑफिस आती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से ट्रूमैन के इंश्योरेंस के बारे में पूछती है तो माइक उसे बताता है कि तुम्हारे पति ने सुसाइड किया है इसीलिए उसका इंश्योरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात से पैट्रिका और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। पर ये देख माइक कहता है कि तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर वो ट्रूमैन के ऑफिस में उसका बचा हुआ सामान लेने चली जाती है। ट्रूमैन का कैबिन अब एलेक्स का हो गया था इसीलिए पैट्रिका को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहां से एलेक्स के कई सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है। वहां से निकलने के बाद पैट्रिका को काफी गिल्टी फील हो रही थी क्योंकि उसने ट्रूमैन के लिए इतना सब कुछ किया पर ना तो उसे वो डील मिली और ना उसका पति रहा। इस बात से पैट्रिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी इसीलिए वो सीधा मैसन के पास जाती है और गोली मारकर उसको मार देती है। यहीं से पैट्रिसिया ने सोच लिया था कि अब वो अपने पति का बदला लेगी। एलेक्स की पर्सनल फाइल से उसे पता चलता है कि एलेक्स का एक रॉबी नाम का बेटा है इसीलिए वो रॉबी का पीछा करते हुए उसको स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल में आने के बाद पैट्रिसिया वहां के काउंटर से एक स्लिप ले लेती है और घर आकर एलेक्स को स्कूल की तरफ से एक फेक लेटर लिखती है। उस लेटर में पैट्रिसिया लिखती है कि रॉबी के ग्रेड काफी कम है इसीलिए वो एक टीचर को रिकमेंड करते हुए कहती है कि ये टीचर तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में हेल्प कर सकती है। दरअसल दोस्तों ये टीचर कोई और नहीं बल्कि पैट्रिसिया खुद ही थी। अब जब एलेक्स को ये लेटर मिलता है तो वो अपने बेटे के ग्रेड्स को सही करने के लिए उस टीचर को हायर करने का डिसाइड करता है। अगले दिन पैट्रिसिया एलेक्स के घर आती है। यहाँ पर उसने अपना नाम बदल का मांडा रख लिया था ताकि किसी को उसकी सच्चाई का पता ना चल सके। यहाँ पर पैट्रिसिया उनसे झूठ बोलती है कि मेरे घर में पेंट हो रहा है जिस वजह से मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा पाऊंगी। पर यह बात सुनकर एलेक्स कहता है कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो। दरअसल पैट्रिसिया भी यही चाहती थी तो वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम पैट्रिसिया को देखते हैं जो कि रॉबी को स्कूल में पिक करने जाती है।
है। घर आकर वो रॉबी को पढ़ाना शुरू कर देती है, जिस टाइम रॉबी का पूरा ध्यान पैट्रिसिया पर ही था। इससे हम समझ पाते हैं कि रॉबी पैट्रिसिया की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा था। अगले दिन हम पैट्रिसिया और रॉबिन की माँ मरीना को एक साथ देखते हैं। मरीना पैट्रिका से कहती है कि मैं काम के सिलसिले में काफी बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं रॉबिन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि पैट्रिका मरीना के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आगे जब मरीना नहाने जाती है तो पैट्रिका उसके ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिला देती है। इसके बाद वो मरीना को अच्छे से तैयार करती है और मरीना को देख हम समझ पाते हैं कि वो भी पैट्रिका को अच्छा दोस्त मानने लगी है। फिर उसी रात एलेक्स और मरीना एक पार्टी में चले जाते हैं। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि पैट्रिका के कमरे में जाकर उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। पैट्रिका को भी ये बात पता थी कि रॉबिन उसे देख रहा है, इसीलिए वो रॉबिन को और अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल यही उसके प्लान का एक हिस्सा था और वो ये सब करके रॉबिन को अपने करीब लाना चाहती थी। अब जब रॉबी ये सब देख रहा था तभी वहाँ पर बैली आ जाती है, वो रॉबी को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद पैट्रिका रॉबी के रूम में आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे खिड़की से छुपकर देख रहे थे। ये कहकर वो रॉबी के करीब आने लगती है और फिर वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इधर बैली को पैट्रिका और रॉबी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो पैट्रिका के रूम की सारी विंडोज को क्लोज कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने रूम को बंद रखना चाहिए। दूसरी तरफ पैट्रिका ने मरीना को जो गोलियां खिलाई थी उसका असर मरीना को होने लगा था और मरीना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन मरीना और एलेक्स के जाने के बाद पैट्रिका एक प्लान बनाती है और जब बैली बेसमेंट में जा रही थी तो वो चलाकी से उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल पैट्रिका ने बैली को इसलिए मारा था क्योंकि बैली को उसके ऊपर शक हो गया था। थोड़ी देर बाद रॉबी घर पर आता है और वो पैट्रिका को अपना टेस्ट पेपर दिखाता है जिसमें उसे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। कुछ देर बाद मरीना घर पर आती है और जब वो बेसमेंट में जाती है तब उसे वहां पर बैली की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है क्योंकि बैली उनकी फैमिली में काफी समय से काम कर रही थी। दूसरी तरफ पैट्रिका ये सब देखकर काफी खुश थी क्योंकि अब एलेक्स के घर की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उसी रात एलेक्स काफी परेशान था और वो पूल खेल रहा था। ये देख पैट्रिसिया उसके पास जाती है और उससे बात करके उसके करीब आने की कोशिश करती है। पहले तो एलेक्स इन सब चीजों से मना करता है पर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं पर भटाभट करते हैं और ये सब रॉबी भी खुलेआम देख रहा था, जिससे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो एलेक्स के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपके और पैट्रिसिया के अफेयर के बारे में पता चल गया है। ये कहकर रॉबी एलेक्स से अपनी कार की चाबी ले लेता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में एलेक्स ने रॉबी से ली थी। अगले दिन एलेक्स पैट्रिका से कल रात की वजह से काफी नाराज था। इसके बाद पैट्रिका मरीना के रूम में जाती है और फिर से वो उसकी कॉफी में वो गोलियां मिलाने लगती है। इधर मरीना बैली की मौत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी तो पैट्रिका आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी मरीना को याद आता है कि रॉबी स्कूल नहीं गया है, इसीलिए जब वो रॉबी से इसके बारे में पूछती है तो रॉबी उसे काफी गुस्से में जवाब देता है। अब उन गोलियों की वजह से मरीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रॉबी को एक चांटा मार देती है और हम समझ पाते हैं कि उन गोलियों का असर अब मरीना पर काफी ज्यादा होने लगा है। थोड़ी देर बाद पैट्रिसिया रॉबी के रूम में आकर उससे अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहती है, पर रॉबी उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे और एलेक्स के अफेयर के बारे में पता है। ये सुन पैट्रिका रॉबी से कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती मेरे साथ किया। रॉबी को भी पैट्रिका की बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो अपने डैड को एक गंदा इंसान समझने लगता है। दरअसल ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये सब पैट्रिका के प्लान का एक हिस्सा था। रात में जब एलेक्स मरीना के रूम में आता है तो उसे मरीना के रूम में ड्रग्स मिलते हैं। ये देख एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मरीना से झगड़ने लगता है और ये सब रॉबी भी सुन लेता है। अगले दिन पैट्रिका फिर से मरीना की कॉफी में वो दवाई मिला देती है, पर इस बार मरीना वो कॉफी पी रही थी तब वो देख लेती है कि उस कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। ये देखकर अब उसे पैट्रिका पर शक होने लगता है। रात में रॉबी पैट्रिका के पास आता है और उसे बताता है कि अब उसके ग्रेड काफी अच्छे हैं, इसलिए वो अब यूनिवर्सिटी जा रहा है। यहाँ पर वो आखिरी बार समय बिताते हैं। इसके बाद रॉबी अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता है। रात में जब मरीना बैठी हुई थी तब पैट्रिका वहाँ की सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है। ये देख मरीना काफी डर जाती है और एक चाकू लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है तो गलती से मरीना एलेक्स का ही हाथ काट देती है। जब एलेक्स इसके बारे में पूछता है तब मरीना कहती है कि पैट्रिका हमें मारने की कोशिश कर रही है। एलेक्स को मरीना की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि मरीना ये सब नशे की हालत में बोल रही है। अगले दिन एलेक्स के घर से जाने के बाद पैट्रिका वहाँ पर आती है और वो मरीना को पकड़कर बेड से बांध देती है। दरअसल पैट्रिका मरीना को मारकर ऐसा दिखाना चाहती थी कि मरीना ने सुसाइड किया है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। मरीना भी काफी बार पैट्रिका से उसे छोड़ने को कहती है लेकिन वो मरीना की एक बात नहीं सुनती। दूसरी ओर एलेक्स जब अपने ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था
तभी उसे पैट्रिका और ट्रूमैन की एक फोटो मिलती है। जब वो इस फोटो के बारे में अपने बॉस से पूछता है तो उसे पता चलता है कि पैट्रिका और कोई नहीं बल्कि ट्रूमैन की वाइफ है। ये सुनकर एलेक्स को सारा मैटर समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि पैट्रिका उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। ये सब जानकर वो तुरंत अपने घर पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि पैट्रिका मरीना को मारने वाली थी। पर तभी एलेक्स मरीना को बचाने के लिए पैट्रिका को खिड़की से धक्का दे देता है जिससे पैट्रिका नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन जब तक पैट्रिसिया वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी ओर हम रॉबी को उसके हॉस्टल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ मरीना से बात कर रहा था, पर मरीना उसे पैट्रिका के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उसे इन सबसे दूर रखना चाहती थी। पर जैसे ही रॉबी फोन कट करता है तो हम देखते हैं कि पैट्रिका पहले से ही रॉबी के साथ थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।